हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑल ऑन माय चैनल आज हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर थर्टीन दैट इज़ लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन ये चैप्टर आपको जो है ग्रेड सिक्स क्लास की एन की साइंस की बुक है वहाँ पे मिलेगा राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर थर्टीन दैट इज़ लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शन तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसमें से बहुत सारे एम जो हैं जब आप हायर एग्ज़ाम्स के लिए जाते हो वहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर जो है ये इन इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो so, आप इस चैप्टर को ध्यान से मेरे से सुनिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जब भी आपसे कोई ये पूछे कि अगर कमरे में अंधेरा है और आपको कोई पर्टिकुलर बुक उठा के लेके आनी है अगर आपको कोई बुक जाके बोला जाए कि आप साइंस की बुक लेके आओ क्या आप लेके आ पाओगे अगर उस कमरे की लाइट नहीं जगती है तो अगर उस कमरे की लाइट जगा दी जाए तो आप हंड्रेड वो बुक ले आ जाओगे लेकिन विदाउट लाइट इट इज़ नॉट पॉसिबल तो हमें ये पता चलेगा कि ये पता चल गया कि हाउ मच लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अवर लाइफ सो लाइट हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट अराउंड अस तो अगर जो है लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें जो है चीजें देखने में जो है सहायता करती है बिना लाइट के हम कोई भी चीज नहीं देख सकते हैं तो सपोजिटली आप अब उस कमरे की जो है लाइट जगा देते हो तो जो है योर रूम गेट एल्यूमिनेटेड तो वो जो ट्यूबलाइट है वो एक सोर्स ऑफ लाइट है वो सोर्स ऑफ लाइट मैन मेड है क्योंकि हमने वो ट्यूबलाइट को बाजार से खरीदा खी, है सो so, उस तरीके से जो है हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि सोर्सेज ऑफ लाइट कौन कौन से हैं कुछ सोर्सेज जो हैं नेचर ने दिए हम दे देट आर कॉल्ड नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट कुछ जो सोर्सेज हैं वो आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट हैं और जो उसको हम बोल सकते हैं कि दे आर मैन मेड दैट इज सोर्सेज ऑफ लाइट सो दे आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट सो हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ लाइट आर देयर देयर आर मेनी टू सोर्सेज ऑफ लाइट वन इज़ नेचुरल एंड अनदर वन इज द आर्टिफिशियल और मैन मेड इतना आपको समझ में आया तो अब हम बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे नेचुरल सोर्सेज हैं जो हमें लाइट देते हैं सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं आइटम्स विच प्रोड्यूस लाइट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट जो उसको नेचर ने ही वो चीज़ दी हुई है जिसकी वजह से वो जो है लाइट अमिट कर रहे हैं सो दे आर कॉल्ड द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल सन ग्लोब वार्म वट इज़ ग्लोब वार्म इज ऑल्सो कॉल्ड एज फायर फ्लाई फायर फ्लाई ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज जुगनू तो जुगनो भी हम बोलते हैं और जो है सन uh, भी, भी uh, जो है एक हमारे पास नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है सो यू मस्ट रिमेंबर दीज एग्जाम्पल्स कि वॉट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट वन इज सन एंड अनदर वन इज़ ग्लो वॉर्म अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट वो सोर्सेज ऑफ लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं लाइट आर्टिफिशली दे आर कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट फॉर एग्जाम्पल आपके घर में टॉर्च होगी कोई टेबल लैंप है आपने किसी कैंडल को जला दिया है सो नाउ दे आर एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ लाइट सो यू अटिल नाउ अभी हमने क्या जाना आर टू सोर्स ऑफ लाइट वन इज नेचुरल एंड अनदर इज मैन मेड नेचुरल में आपके पास आएगा सन एंड फायर फ्लाई एंड यू हैव आर्टिफिशियल इन द आर्टिफिशियल यू विल गेट टॉर्च हो गया टेबल लाइट एंड कैंडल राइट अब जब हम रात को निकलते हैं आसमान की तरफ देखते हैं वी सी देर एज अ मून लेकिन मून की भी तो हमें दिखाई दे रहा होता है हमें लगता है शायद मून भी लाइट दे रहा है क्योंकि अगर हम मून लाइट में देखें तो अगर सपोजिटली सारी लाइट्स जो हैं बंद हों आसपास की तो हम देखते हैं कि मून की लाइट भी कुछ हमारे पास पहुंच रही है सो द डज देट मीन कि मून की अपनी लाइट है नहीं मून इज नॉट अ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एज इट डज़ नॉट प्रोड्यूस लाइट ऑफ इट्स ओन ये लाइट उसकी खुद की नहीं है सनलाइट दैट फॉल्स ऑन इट मेक इट लुक ब्राइट जो सन की लाइट है इसके ऊपर पड़ती है वो इसको रिफ्लेक्ट करती है जिसकी वजह से हम सन को देख जो है मून को देख पाते हैं इसलिए जो है मून की अपनी लाइट नहीं है तो कभी भी मून को आपने नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में नहीं लिखना ना ही आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट मून की सच अपनी लाइट नहीं है आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट अब हम ये देखेंगे कि हमने ये जाना कि ऐसे जैसे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी लाइट होती हैं तो जिनकी जो लाइट होती है हम ये उसको बोल सकते हैं कि दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो चीज़ें ऑब्जेक्ट विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट्स अब आप, कह सकते हैं, जो अपनी लाइट छोड़ते हैं सो दे आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे सन एंड ट्यूबलाइट हो गया नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं होती ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट अमिट लाइट ऑफ देयर ओन दे आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल मून हो गया अर्थ हो गया टेबल हो गया आपकी बुक होगी ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो जो हैं दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन सो दे आर कॉल्ड द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं हम उनको देख सकते हैं ड्यू टू दी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सपोजली आपके पास बुक पड़ी है आप बुक को कब देख पाओगे जब आप इसके ऊपर टॉर्च की रोशनी पाओगे तब यू कैन सी दिस ठीक है सो वी नीड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट सो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है जब उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तब ही हम उनको देख पाएंगे तो अगर ये जो लाइट है जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं क्या ये सीधी इसमें से निकल जाती है या इसमें से पार्शनी निकलती है या इसमें से जो है इस लाइट को ब्लॉक कर दिया जाता है तो इस तरीके से अगर लाइट का पाथ कौन को, 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 मतलब ब्लॉक होता है या वो ऑब्जेक्ट को पास हो जाती है या पार्शली पास होता है होती है तो उसके बेसिस के हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं सो वी हैव फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट देन वी हैव ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड वन इज़ दी ओपे सो व्हाट इज़ ट्रांसपेरेंट ट्रांसपर हम क्या बोलते हैं पारदर्शी मींस हम इधर भी देख सकते हैं उसके और उधर उद, से भी देख सकते हैं सपोजिटली आपके पास एक ग्लास है ठीक है तो जो एनक uh, का ग्लास जो होता है ना वो कैन स्पेक्टिकल ग्लास अगर वो प्लेन ग्लास हो कोई इसका नंबर ना हो तो अगर आप उसको अपने आंख के सामने देखोगे आप तो दोनों तरफ से देख सकते हो ऐसा ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कम्प्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपने में से लाइट को कम्प्लीटली पास होने देते हैं ऐसे हम ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल ग्लास हो गया क्लियर एयर होगी वाटर हो गया वाटर कैसे जैसे आपके पास यहाँ पे पानी का ग्लास जग है जैसे आप बोलो ये ग्लास शीशे का है और इधर जो है आप टोमेटो सॉस की बॉटल पड़ी है तो अगर आप इधर से देखोगे तो आपको जो है टोमेटो तुमे, जो है जग का पानी जो है रेड कलर का पियर होएगा क्यों क्योंकि जो है टोमेटो सॉस की बॉटल की जो लाइट है इसमें से पास हो रही है और हम ये कह सकते हैं कि ये जो हम आँख से जो है इधर से देख रहे हैं उसमें से जो लाइट पास हो के हमें जो ग्लास के आगे भी चीज़ पड़ी है वी कैन सी इट क्लियरली थ्रू एंड थ्रू राइट सो ट्रांसपेरेंट इसकी होगी ग्लास क्लियर एयर एंड वॉटर अब हम बात करते हैं ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं जो है ट्रांसपेरेंट है उससे कम ट्रांसपेरेंट होंगे और जो हम आगे डिस्कस करेंगे ओपेक उससे कम ओपेक होंगे ये भी कह सकते हैं दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम इन अ स्कैटर्ड और डिफ्यूज मैनर या हम ये कह सकते हैं दे अलाउ द लाइट इनकम्प्लीट पार्शली दे अलाउ पूरी नहीं लाइट को अलाउ करेंगे दे विल अलाउ पार्शली सो द पार्शल अमाउंट ऑफ लाइट विल पास थ्रू दिस ऑब्जेक्ट फॉर एक्जाम्पल फ्रॉस्टेड ग्लास ट्रेस पेपर बटर पेपर तो आपने बटर को देखा होगा बटर को रैप किया होता दैट इज़ कॉल्ड बटर पेपर तो अगर आप उसमें से झांकने की कोशिश करोगे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आएगा लेकिन स्टिल यू कैन सी समथिंग सो दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दे आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट इवन आपके पास जो होते हैं मोटा साइज uh, का जो होता है पॉलीथीन शीट जो होती हैं जैसे आपकी जो आप बुक्स की uh, अपनी नोटबुक्स को कवर करने के लिए मोटा सारा पॉलीथीन यूज़ करते हो सो दैट इज ऑल्सो ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट क्योंकि उसमें आप क्लियरली नहीं देख पाते हो बिकॉज दैट लाइट पास थ्रू द मीस पार्शली दैट इज अलाउड पार्शली राइट सो सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ट्रांसलुसेंट ऑब्जेक्ट अब हम बात करेंगे ओपेक ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम फॉर एग्जाम्पल वुड शीट ऑफ मेटल एट्सेट्रा अगर आपके सामने बुक रख दी जाए आपको नहीं पता कि जो है बुक की दूसरी साइड पे क्या पड़ा है क्योंकि यहाँ पे लाइट पास ही नहीं हो रही है सो द लाइट कांट पास थ्रू देम ये ऑब्जेक्ट जो है लाइट को पास नहीं करने दे रहा सो द ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास नहीं करने देते हैं दे आर कॉल्ड द ओपेक ऑब्जेक्ट जैसे वुड हो गया शीट ऑफ मेटल बुक इस तरीके का जिसमें से जो लाइट है ना पास हो सके तो अब जो है लाइट कैसे चलती है हाउ डू द लाइट मूव्स वॉट इज द प्रोपिगेशन ऑफ लाइट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट जो लाइट है हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है तो आपको टीचर भी स्कूल में बोलते हैं ना मूव इन अ स्ट्रेट लाइन सो वहाँ से याद रखना है कि लाइट भी है अपने आप को हमेशा स्ट्रेट लाइन में रखती है ऐसी प्रॉपर्टी दिस प्रॉपर्टी इन विच द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन दिस इज कॉल्ड एज द रेक्टीलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट तो अगर आपसे पूछा जाए वट इज द रेक्टीलिनियर प्रोपिगेशन ऑफ लाइट सो दैट मीन द लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन राइट तो हम लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेज एंड बीम तो आपने मैथ्स की क्लास में पढ़ा होगा वॉट इज रे अ रे इज अ लाइन विद एन एरो तो हम अगर ग्रुप ऑफ लाइट रेज बना देंगे तो दैट इज कॉल्ड द बीम सो हाउ इज द बीम डिफरेंट फ्रॉम रे रे इज अ सिंगल लाइन वेर अ बीम इज अ ग्रुप ऑफ रेज ठीक है इतना आपको समझ आया तो अब हमने ये जाना कि जो लाइट है दैट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे सो वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ शेडो बाय ओपेक ऑब्जेक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस इन अ पिन होल कैमरा तो अभी हम पढ़ेंगे हाउ द फॉर्मेशन ऑफ शेडो टेक प्लेस बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट हाँ मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताना था जैसे आपके पास ये एक सिंपल जो है एक इस तरीके का स्ट्रेट रॉड है तो आप जो है इसको क्लियरली देख सकते इसमें से क्लियरली देख सकते हो एक आपके पास इस तरीके का फोल्ड हुआ रॉड है तो क्या आप कैंडल को किस में से देख पाओगे विल बी एबल टू सी थ्रू दिस और दिस इससे कभी भी नहीं क्योंकि ये बेंट है लेकिन लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा स्ट्रेट चलती है तो आपको जब आप एक स्ट्रेट रॉड के थ्रू देखोगे यू विल बी एबल टू सी अ बर्निंग कैंडल बिकॉज द लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज ऑफ द रेक्टिलियर प्रॉपिगेशन ऑफ द लाइट राइट अब हम ये जानेंगे कि जब भी इमेज सॉरी uh, जो शेडो बनता है वो कैसे बनता है सबसे पहले तो शेडो होती क्या है तो जब आप कभी आपने धूप में खड़े हो तो आपने देखा होगा कि आपके साइड पे आपकी परछाई बनती है सो शेडो इज़ बेसिकली ये परछाई दैट डार्क रीजन दैट फॉलो यू आपको लगता है जहाँ जहाँ आप भाग रहे हो ये काली परछाई भी आपके साथ जा रही है ठीक है सो दैट इज़ कॉल्ड शेडो सो वॉट इज शेडो एन एरिया ऑफ डार्कनेस फॉर्म बाई एन ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग लाइट इज़ कॉल्ड अ शेडो तो जब आपके पास एक इस तरीके का जो है ओपेक ऑब्जेक्ट है जब हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे सो वट विल हैप्पन इसका जो इमेज है यहाँ पर बनेगा जो हम कहते हैं इसका हम शेडो बनेगा राइट सो शेडो और इमेज में आपको मैं अभी डिफ्रेंस बताऊँगी सो वेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट विल ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ ऑफ लाइट द शेडो विल बी फॉर्म राइट तो शेडो कब और कैसे बनती है उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए हमेशा हमें तीन चीजें तो ये जरूर चाहिए ही चाहिए सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट जब तक तो कैंडल नहीं जगेगी या बल्ब नहीं जगेगा तो परछाई कैसे बनेगी सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट दूसरा जब भी लाइट ऑब्स्ट्रक्ट करेगी तभी शेडो बनेगा तो उसके रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए हमें चाहिए कोई ओपेक ऑब्जेक्ट सो वी नीड अ ओपेक ऑब्जेक्ट और शेडो भी तो कहीं पे बननी चाहिए ना सो वी नीड अ स्क्रीन और सरफेस बिहाइंड इट जैसे हमारा अगर अगर आप धूप में खड़े हो तो आपकी शेडो जो है जमीन पे बन रही है सो नाउ दैट अर्थ इज एक्टिंग एज अ स्क्रीन और वी कैन से अ सरफेस जिसके ऊपर जो है आपकी शेडो बन रही है सो यू नीड थ्री थिंग्स फॉर द शेडो टू बी फॉर्म फर्स्ट इज द सोर्स ऑफ लाइट सेकेंड इज ओपेक ऑब्जेक्ट एंड थर्ड यू नीड इज स्क्रीन राइट तो अब जो है आपका शेडो बन गया है तो शेडो के क्या करेक्ट्रिस्टिक होते हैं सो शेडो इज़ फॉर्म्ड वेन लाइट फॉल्स एन एन ओपेक ऑब्जेक्ट अभी हमने जाना कि हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं और शेडो तभी बनेगी जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है लाइट डलेगी सो शेडो इज़ फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दोर्स ऑफ लाइट अगर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है तो शेडो जो है हमेशा इसके ऑपोजिट बनेगी इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट इज टूवर्ड द वेस्ट साइड तो ईस्ट साइड के हमेशा जो है आपका शेडो बनेगा इज द थिंग क्लियर टू यू सबसे पहले ये था कि शेडो तब बनेगी When light falls on ही नहीं। Even में से भी पार्शली इतना क्लियर नॉट बी एबल टू सी एनी शेडो लेकिन शेडो बनने के लिए हमें जो है ऑपेक लाइट चाहिए ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि जो है इस लाइट के पाथ को कोई ब्लॉक कर सके राइट एंड थर्ड थिंग आउटलाइन ऑफ द शेडो मैच इज दउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट तो अगर आपके पास एक स्टिक का शेडो स्टिक है ऑब्जेक्ट तो उसका जो शेडो है वो भी स्टिक की तरह बनेगा सो so, जो आउटलाइन ऑफ द शेडो दैट मैच द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट ब्राइटर द लाइट डार्कर द शेडो जितना ब्राइट लाइट होगा उतना डार्क शेडो shadow होगा शेडो आर डार्क इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे ये ओपेक ऑब्जेक्ट आपका काले रंग का है चाहे नीले रंग का है चाहे पीले रंग का है चाहे किस भी कलर का है लेकिन उसका जो है शेडो हमेशा ही ब्लैक कलर में होगा दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो शेडोज आर डार्क इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट रखो तो जिसका शेडो है वो आपको हमेशा ही ब्लैक ही मिलेगा

तो जितना दूर होगा बॉल शेडो विल बी स्मॉलर सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके ऊपर बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक क्लोजर द सोर्स ऑफ लाइट टू एन ऑब्जेक्ट लार्जर द शेडो द फादर द सोर्स ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर द देडो इसको आपको अच्छे से याद करना है दिस इज द क्रक्स ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑफ लाइट के पास है तो उसका इमेज जो होगा बड़ा होगा तो अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो इसका इमेज जो है स्मॉल होगा राइट सॉरी द शेडो विल बी स्मॉल नाउ अब हम बात कर रहे थे कि इमेज और शेडो कैसे डिफर करते हैं दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप इमेज और शेडो का डिफरेंस बताओ तो अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आपने जिस रंग के कपड़े डाले होते हैं तो उसी रंग के आपको जो है इमेज में दिखते हैं जबकि शेडो जो होगा हमेशा डार्क होगा आपने रेड कलर के कपड़े डाले हैं येलो के पिंक के ब्लू के शेडो विल बी ऑलवेज ब्लैक वेर इज अमेज हैज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट अगर आप ब्लू कलर का पेन देख रहे हो तो इमेज में आपको ब्लू दिखेगा लेकिन इसका शेडो जो है हमेशा ब्लैक बनेगा इज द थिंग क्लियर टू यू नाउ इमेज गिव द डिटेल्स एज वेल एज द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है इमेज से आपको डिटेल्स भी मिलते हैं एज वेल एज वेज आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट भी मिलती है जबकि शेडो से आपको कोई डिटेल नहीं मिलता इट गिवस ओनली द आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट तीसरी बात है कि जो इमेज अंडर गो लेटरल इन्वर्जन दैट इज़ लेफ्ट राइट रिवर्सल वेर एज शेडो डज नॉट गो लेटरल इन्वर्जन सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वट इज़ लेटरल इन्वर्जन तो अगर आप इमेज में जब शीशे के सामने आप सपोजिटली आपने एक वर्ड लिखा तो आपने लिखा था वर्ड एम्बुलेंस लेकिन शीशे में अगर आपको हमेशा ये वर्ड इस तरीके का दिखेगा सो दैट इज़ कॉल्ड एम्बुलेंस मीन्स जो लेफ्ट था वो राइट right हो गया जो राइट right था वो लेफ्ट हो गया सॉरी यहाँ से हमें स्टार्ट होगा दिस वर्ड विल बी स्टार्टर फ्रॉम हेयर लाइक एटमीट एल यू इट विल बी लाइक दिस एम वू लेंस सो वेन यू विल बी स्विंग सींग इन द इन मिररर तो ये आपको पहले दिखाई देगा नाउ दिस इज ऑन योर राइट साइड लेकिन जब आप मिरर में देखोगे दिस विल बी ऑन योर लेफ्ट साइड और ये देखो आप जो साइड हैं वो भी चेंज हो गई हैं बी ऐसे होता है लेकिन आपको शीशे में इस तरीके का दिखेगा ई ऐसे होता है लेकिन मिरर में आपको ई इस तरीके का दिखेगा दिस इज कॉल्ड एज लेटर इन्वर्जन जबकि ये फोनॉमिनन जो शेडो है उसमें नहीं होता हम बात कर रहे थे कि जो है लाइट है किसी ऑब्जेक्ट में से पास हो सकती है या नहीं हो सकती है अगर जो लाइट है बाउंस बैक हो आए उस फोनॉमिनन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन सो वॉट इज रिफ्लैक्शन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाई अ शाइनी सरफेस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो यहाँ पर आपने लाइट डाली दिस वॉज द इंसीडेंट रे जिस तरीके से आपने लाइट डाली तो वो लाइट जिस तरीके से आपने डाली वो उसी तरीके से जो है वापस आ रही है सो सच दैट इज़ द चेंज ऑफ डायरेक्शन अब डायरेक्शन इसकी इधर थी जाना तो इसको इधर था लेकिन इसकी डायरेक्शन अब इसने चेंज कर दी है सो दिस फिन इज़ कॉल्ड एज द रिफ्लैक्शन सो वॉट इज रिफ्लैक्शन इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट राइट सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इट इज़ द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय अ शाइनी सरफेस. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा जो शाइनी सरफेस है वही जो है लाइट को बाउंस बैक कर सकता है रफ सरफेस नहीं तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो किस तरीके के हो सकते हैं इसके ऊपर जो है हमारी रिफ्लैक्शन जो है डिपेंड करती है सो इफ द सर्फेस इज वेरी स्मूथ जैसे इस तरीके ये है सो देयर यू विल गेट अ रेगुलर रिफ्लेक्शन सो वट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन वेन अ पैरल बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन अ स्मूद एंड पॉलिश सर द रिफ्लेक्टेड बीम इज़ ऑल्सो पैरल डायरेक्टेड इन अ फिक्स डायरेक्शन सच रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि आपका शीशा हो गया जिसको हम मिरर बोलते हैं या एक शांत पानी की लहर ठीक है तो क्या होगा जैसे इस शांत पानी में क्या होगा ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा जिस तरीके से लाइट आ रही है यू आर सीन दे ऑल आर पैरल टू ईच अदर तो उसी तरीके से रिफ्लेक्टेड लाइट भी जा रही है दे आर ऑल्सो पैरल टू ईच अदर सो दे आर डायरेक्टेड इन अ फिक्स डायरेक्शन एंड दे आर गोइंग पैरल टू ईच अदर पैरल ही आई और पैरल ही चली गई सर्च अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऐसी रिफ्लेक्शन है जो हमेशा आपको स्मूथ सरफेस के ऊपर मिलेगी लेकिन अगर वही बीम ऑफ लाइट हम इररेगुलर सरफेस के ऊपर डालें या रफ़ सरफेस के ऊपर डालें जैसे कि रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्टोन वॉल वुड या कोई बुक तो हमने देखा जब हम उसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं लाइट जो सीधी ऊबड़ खाबड़ डल रही है लेकिन रिफ्लेक्टेड भी इधर उधर ही जा रही है इट इज़ नॉट गोइंग इन अ फिक्स डायरेक्शन

तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो आपको स्टोन वॉल वुड जितने भी रफ सर्फेस हैं वहाँ पे मिलेंगी अब हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो पिन होल कैमरा क्या होता है इट इज़ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ स्मॉल होल ऑन वन साइड तो यहाँ पे एक लाइट प्रूफ बॉक्स है यहाँ पे इसका होल है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट सो लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपने एक कैंडल जगाया सो कैंडल हेयर इज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है लाइट From an object passes through this hole, and projects an inverted image of the object on the opposite side of the box. So this word that is inverted, this is very very important, because light ray always, have एक सीधे पैट इलेक्ट्रीन प्र, प्रॉपर्टी की वजह से जो है लाइट जब यहाँ से पास हुई तो इसका इमेज यहाँ पे मिलेगा तो जो यहाँ से लाइट रेस गई उसने इमेज इसका यहाँ पे बनाया सो so, क्योंकि ये लाइट रेस इंटरसेक्ट कर गई तो जो है इस वाला पोर्शन था ये यह आपको यहाँ पे मिला ये वाला पोर्शन था आपको यहाँ पे मिला सो so, इमेज फॉर्म इन द पिन होल कैमरा इज ऑलवेज ऑन द अपोजिट साइड एज टू द ऑब्जेक्ट ये जो इमेज बनेगी ऑपोजिट साइड पे बनेगी ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉक्स के uh, के ऊपर बनेगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज इट इज द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ बॉक्स तो नेचर ने भी हमें पिनहोल कैमरा दिए दिए हैं तो आपने बहुत कभी इस चीज़ को आप नोटिस करना कभी किसी गहरे जो जित के पत्ते होते हैं उस पेड़ के नीचे खड़े होना तो आपको लगेगा कि ये जितने भी पत्ते हैं इसमें से जो लाइट पास होकर ज़मीन के ऊपर छोटे छोटे सन के इमेजेस बनाती हैं सो सच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पिन होल कैमरा ठीक है सो जो लीव्स ऑफ द प्लांट होती हैं उसमें से जब लाइट जो है पास होके आती है ऊपर से सन से तो जो नीचे है जो छोटे छोटे इमेजेस बनती हैं दे ऑल दे हैव द सेम फिनल दैट इज़ दिन होल कैमरा सो वो एक नेचुरल पिन होल कैमरा है राइट right? सो so, जो अभी हमने डिस्कस किया दैट इज़ अ मैन मेड कैमरा तो उसमें इमेज उल्टी क्यों बनती है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट थी वो इसकी और इसकी लाइट जो थी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई तो जिसकी वजह से इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी इसकी इसके ऊपर और आपने देखा कैंडल यहाँ पे बर्न बर्न कर रही है सो यू कैन सी हेयर यहाँ पे कैंडल का फ्लेम है लेकिन यहाँ पे जो है आपका कैंडल का फ्लेम नीचे है शू मेक श्योर यू रिमेंबर कि जो पिन होल कैमरा की इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा तो अगर आपको ये मेरी डिस्कशन समझ में आ रही है तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग